हेलो दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हो एक ट्रिमर है। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम जो कि आती है वो है कि इसका बैटरी जो कि है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मैं इसका बैटरी आप लोग को दिखाता हूँ। इसमें सेल लगता है और ये जो कि है 1.2 वोल्ट का है। जब नया लिया तो उस टाइम दोस्तों कम से कम तो आधा घंटा लगभग चल रहा था, जबकि लिखा हुआ था पैकेट में कि ये 45 मिनट चलेगा, लेकिन 45 मिनट नहीं लेकिन 20 से 30 मिनट ही चलता था। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि 12 घंटा चार्ज करो या 15 घंटा चार्ज करो, ज़्यादा से 2 से 4 मिनट चलता है, सब बाद इसका जो कि बैटरी पावर पूरा ख़त्म हो जाता है। देखिए मैंने 3 को बैटरी इसका लिया था अलग से, ये सबका वही हाल है, लगभग 1-2 महीना ठीक चलता है, उसके बाद जो कि इसका बैटरी का पावर पूरा ख़त्म हो जाता है और ये पहले से बैकअप बिल्कुल नहीं देती है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अभी सेल का कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना सेल का इसको अनलिमिटेड चला सकते हैं जितना मर्जी उतना। तो कैसे होगा बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक, ट्रिमर यूज़ कर रहे हो तो इन सेल का आपको ज़रूरत नहीं है, सबका फटा करके आप बिना सेल का इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक पुराना डाटा केबल आप लीजिएगा मोबाइल का, चार्जर का जो रहता है, पहले फर्स्ट टाइम मुझे आपको तार मिला होगा चार्जर का, इसको चार्ज करने के लिए वो चार्जर का तार को ले लीजिएगा, जो कि आप देख सकते हो मैं पहले से ले चुका हूँ उसको और मैं इसको काट भी दिया हूँ कि अब मुझे इस जो प्लग इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी पहले इसको प्लग काट तार इसको काट हटा दीजिए, और जो आपको बचता है ये वाला, ये आपका मेन काम है, इसी का ही काम है इसमें। तो ये आपके सामने लाइव काटते हैं, इसको देख सकते हो इसका काट के हम इसको हटा चुके हैं अब जो कि है इस तार का काम है हमको। तो चलिए पे इसको छील लेते हैं फिर आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको काट चुका हूँ और इसमें अगर आपका ये ओरिजिनल डाटा केबल अगर है तो इसमें आपको 4 तार देखने को मिलेगा, और डुप्लीकेट वगैरह अगर ऐसा ही है चाइनीज कंपनी तो उसमें आपको सिर्फ 2 ही तार देखने को मिलेगा जो मेन तार रहता है। तो इसमें मेरा जो कि है दो ही जो देख रहे हो, एक रेडियो और एक ब्लैक, बस इन दोनों तार का काम है, बाकी इन दोनों तार को आप काट के हटा सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए इस तार को पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वीडियो में दिखाते हैं। तो देख सकते हो कि मैंने इसका जो तार था उसको भी सोल्डिंग कर लिया हूँ, प्लस मैंने देख सकते हो कि प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी किसी में जोड़ सकते हो। तो आइए उससे पहले स्ट्रीमर को खोल के देखते हैं कि इसमें मुझे क्या क्या कनेक्शन करने होंगे, जिससे कि जब आप इसको इस तरह से ऑन कीजिएगा तभी आपका चलेगा, और जब ऑन कीजिएगा तो यहाँ पर लाइट भी जलना चाहिए। इसमें पावर देंगे हम डायरेक्ट, तो इसमें जब पावर देंगे तब ये चार्ज नहीं होगा दोस्तों, जब इसमें पावर देंगे तब ये मोटर चलेगा। तो चलिए इसे फटाफट खोलते हैं। पहले खोलने के लिए आपको इसको हल्का से यहाँ पर पुश करना तो ये आसानी से निकल जाएगा। चलिए फिर से खोल लेते हैं, यहाँ भी एक नट इसको खोलना पड़ेगा। ये रहा मोटर जो चलता है, ये रहा इसका चार्जिंग बोर्ड, इसे भी साइड में रखते हैं। मेन काम जो कि दोस्तों हमें इसी में ही करना है, इस सब का जरूरत हमको नहीं है, सब निकाल देंगे इसमें से, और सिर्फ एक लाइट करने देंगे और ये इसका जो रजिस्टर है इसे भी सो रहने देंगे। चलिए बाकी सारे कंपोनेंट निकाल लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको वीडियो में। तो ये रहा, सारे कंपोनेंट मैंने निकाल दिए हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इसलिए सब निकाल दिए, आप ही निकाल लीजिएगा। देखिए पूरा बोर्ड जो कि है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैंने सारा कंपोनेंट को निकाल करके जहाँ पर मोटर का जहाँ पर तार सोल्डिंग किए हैं, ये तो इसको ऑन ऑफ के लिए है स्विच टो, तो आप लोग देख सकते हो कि मोटर का तार मेरा कि यहाँ पर है। ठीक है, एक मोटर का तार यहाँ पर है जो कि ये सीधा इस लाइन से होते हुए यहाँ पर आ रही है। ठीक है, जहाँ से हम इसको इनपुट देंगे, और दूसरी जो मोटर का एक वायर है वो कि ये है, वो ऑन ऑफ से होते हुए इस लाइन पे आ रही है, और आप लोग देख सकते हो कि सीधा जा रही है और ये यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए हैं इसका एक तार को। इंडिकेटर लाइट आप देख सकते हैं, उसका एक कनेक्शन जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक देख सकते हैं रजिस्टर पीछे लगा हुआ लगाए हैं, और रजिस्टर कनेक्शन इसमें है, मतलब इस लाइन से होते हुए कनेक्शन आ रही है पावर पर। ठीक है, और दूसरा इसका एलईडी कनेक्शन देखे ये वाला, ये डायरेक्ट जाके दोस्तों मिल जा रही है इसी पावर में, जो कि कनेक्शन इसका घूमते हुए यहाँ पे अटैच हुआ है। अब सामने से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आई होप आपको समझ गए होंगे। चलिए इसको चेक कर देंगे कि इसको हम डायरेक्ट अगर 5 वोल्ट दे रहे हैं तो किस स्पीड से चल रहा है, एक बार मैं आप लोग चेक कर दिखा देता हूँ कि ये किस तरह काम कर रही है। तो चलिए इसमें लाइन देते हैं, इस पिन को आपको इसमें लगाना है, लगाते ही देखिए लाइट ऑन हो चुका है, इसका मतलब है इसमें पावर जो कि आ चुकी है। अब इसका शॉर्ट करना है तो हमारा मोटर जो कि वो चलने लगेगा। तो चलिए ये रहा इसका पिन जिससे कि शॉर्ट होता है, तो देखा आपने कि मोटर मेरा किस तरह रन कर रहा है। तो चलिए आप लोग देख लिया, अब इसको चलिए सेट करके दिखाते हैं बॉडी में लगा के। इसका ये कंप्लीट बन चुका है दोस्तों, मोटर को रखना कुछ इस तरह से, बस ये मोटर जो कि वो फिक्स हो चुका है। अब इसका सर्किट को फिक्स करना है,
जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ जल्दी से कर लो और लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आई तो। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको फिक्स कर दिया है, अब चलिए पूरा कंप्लीट लगने के बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। देख सकते हो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है बन के, सारा नट मैंने इसमें लगा दिए हैं। फाइनली दोस्तों ये बिल्कुल पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो चुका है आप लोग देख सकते हो। चलिए मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। लाइट ऑन हो चुका है, तो दोस्तों देखा आपने आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।